एक बेहद ही दुखद खबर जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीती रात आतंकियों ने 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। मैं आपको बता दूं कि गांदरबल में सोनामर्ग के पास एक सुरंग का काम जो है वो वहां पर चल रहा था और इसी बीच आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 2 आतंकी होने की जो है वो संभावना है। और आतंकी अंधाधुंध फायरिंग जो है वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें मैं आपको बता दूं जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसमें 7 लोगों की जो है इसमें जान जा चुकी है और कई अन्य मजदूर भी जो हैं वो घायल हैं। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि ये गांदरबल में सोनामर्ग के पास ये गगनगिरी इलाके में यहाँ पर जेडमोड सुरंग निर्माण जो है उसका काम जो है कंपनी के काम करने वाले मजदूर जो है वो कर रहे थे और बीती रात आतंकियों ने हमला कर 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर की हत्या जो है वो कर दी। कुछ अन्य मजदूर जो है वो घायल हैं, इनमें 5 प्रवासी मजदूर भी हैं। हमले की जिम्मेदारी जो है आतंकी संगठन जो है TRF ने ली है, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। और मैं आपको बता दूं कि जो गगनगिर जो गुड़ इलाके में सुरंग बना रही कंपनी एप्को उनके जो है कर्मियों के शिविर पर जो है पहुंचकर आतंकियों ने अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की। इसमें मौके पर ही 2 मजदूरों की जो है वो मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। घायलों में से 1 कश्मीरी डॉक्टर तथा 4 अन्य मजदूरों की इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई, यानी कि 5 को जो है अस्पताल पहुंचाया गया पर वहां पर उनका इलाज के दौरान जो है वो उनकी जो है वो मौत हो गई। मृतकों की पहचान में आपको बता दूं कि डॉक्टर शाहनवाज और मजदूरों में फहीम नजीर, कलीम मोहम्मद हनीफ, शशि अबरोल, अनिल शुक्ला और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। इसमें गुरमीत जो है वो पंजाब का रहने वाला है और अनिल मध्य प्रदेश और हनीफ कलीम वो जो फहीम है वो बिहार के रहने वाले हैं, यानी कि प्रवासी मजदूर है। इसमें 5 जिनकी जान चली गई है, एक बेहद ही मैं आपको बता दूं कि दुखद ये जो है यहाँ पर हुआ। जो मजदूर अपना परिवार छोड़कर जो बाहरी स्टेट में आकर जो है वहाँ पर काम करते हैं अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए और वहाँ पर उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी कहीं ना कहीं जो है बेहद मैं आपको बता दूं कि दुखद ये घटना हुई। और हमला होते ही कर्मचारियों में जो है वो भगदड़ मच गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया ताकि आतंकियों को मार गिराया जा सके। और मैं आपको बता दूं प्रवासी मजदूरों पर हाल के वर्षों में जो है ये बड़ा आतंकी हमला है। जो बाहरी मजदूर जो काम करते हैं उनके ऊपर ये सबसे बड़ा हमला जो हुआ है। आतंकियों की संख्या जो है वो 2 बताई जा रही है। ये वारदात शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान के आतंकी हमले में मारे जाने के 1 दिन बाद हुई है। हत्या के विरोध में नागरिक जो मैं आपको बता दूं समाज तथा कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को जुलूस निकालकर शांति की अपील की थी। पिछले 3 दिन में आतंकी हमले में 7 मजदूर जो है वो मारे जा चुके हैं, यानी कि 1 मजदूर की जब मौत हुई थी उसके बाद वहां पर कुछ छात्रों ने जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था जिसमें उन्होंने शांति की बहाल होने की जो है वहां पर प्रदर्शन किया था। पर उसके बावजूद मैं आपको बता दूं ये एक और हमला जो है यहां पर हुआ है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 दिनों में ये दूसरा आतंकी हमला हुआ है और कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जो एक माहौल रहता है, जो एक प्रेम माहौल रहता है उसको बिगाड़ने का प्रयास जो है यहाँ पर आतंकियों द्वारा किया जा रहा है। जो एक बॉन्डिंग जो जम्मू कश्मीर के बीच में रहती है, लोगों में आपसी जो है प्रेम रहता है, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता दूं कि ये एक साजिश रची जाती है कि कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब किया जाए, दहशत फैलाने की जो है वो साजिश की जाती है। और जो मजदूरों के कैंप हैं ये भी बताया जा रहा है कि जो बारी आकर मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनके कैंप पर भी जो है सुरक्षा जो है वो तैनात की गई है, कुछ और सुरक्षा जो है उनकी बढ़ाई गई है। और ये मैं ये भी बता दूं कि शोपियां में बिहार के एक मजदूर की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में जो एक प्रदर्शन हुआ था उसके बाद दोबारा से ये घटना हुई है। ये पहले जो मजदूर मारा गया था वो शुक्रवार को जो है एक मजदूर की जो है शोपियां में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आतंकियों द्वारा। अब बीती रात यहाँ पर और मजदूरों को जो है वो टारगेट किया गया है और आतंकी जो है बचेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। और साथ में ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि
कठोर कदम जो है वो उठाया जाएगा, इन आतंकियों को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से उनके अंदर दहशत का माहौल जो है पैदा किया गया है, सुरक्षा उनके लिए बढ़ाई गई है, पर एक बड़े अफसोस की बात है कि मजदूरों को इस तरह से आप टारगेट बनाएंगे जो कि यहाँ पर आकर अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और यहाँ पर जो एक सुरंग का काम चल रहा था, मैं आपको बता दूं ये गांदरबल सोनामर के पास यहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है 7 लोगों की जो है वो यहाँ पर मौत हो चुकी है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि इन आतंकियों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नए अपडेट के लिए, नमस्कार।